हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि राइटर जब नेपाल में काठमांडू में दोस्तों प्रेजेंट है, वो वहां पर एक हिंदू टेंपल में गए, फिर वो एक बुद्ध स्टूपा में गए। दोस्तों, वहां पे उनको क्या क्या डिफरेंसेस फील हुए, वहां पे कैसे हिंदू टेंपल में बहुत ज्यादा भीड़ थी पर जो बुद्ध टेंपल है वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी, इस चीज का कंपैरिजन हमने स्टडी किया। अब दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया है कि वो वापस दिल्ली अपना घर जाना चाहते हैं और वो भी इस बारी फ्लाइट से जा रहे हैं। पर दोस्तों, अभी शाम बाकी है, वो शाम को मार्केट में जाते हैं, उनके बांसुरी एक्सपीरियंस को हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। वो कह रहे हैं कि उनके होटल के पास ही जो रोड्स हैं, जो वहां पे किनारे हैं, वहीं पर दोस्तों वहां पे एक ऐसा पर्सन खड़ा है जो कि बांसुरी बेच रहा है। दोस्तों, बांसुरी एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ह्यूमन की जो एयर होती है, जो सांस होती है, उससे बजाया जाता है। In his hand is a pole with an attachment at the top of which 50 or 60 bansuris protrude in all directions. Like the quills of a porcupine. देखिए, वो कह रहे हैं कि वहां पे जो पर्सन खड़ा है उसके हैंड में एक बड़ी सी स्टिक है, उस स्टिक के ऊपर वहां पे बहुत सारी बांसुरी दोस्तों निकल रही है, जैसे कि आप ऊपर फोटो में देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि वो किसी एनिमल के ऊपर जो फर होता है, जो उसके कांटे होते हैं, वो निकल रहे हैं। एक एनिमल के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। दे आर ऑफ बैम्बू, दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। देखिए, वो कह रहे हैं कि ये बैम्बू के बने होते हैं और उनको अलग अलग वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है कि आप इसको क्रॉस फ्लूट्स या फिर रिकॉर्डर्स भी कह सकते हो। From time to time, he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for few minutes. वो दोस्तों बताया जा रहा है कि धीरे-धीरे time के साथ-साथ यहाँ पे जो person है, जो कि वो बांसुरी बेच रहा है, वो कहीं पर खड़ा हो जाता है, कोई भी एक बांसुरी select करता है और फिर उसको आराम से बजाता है वहाँ पर। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. वो कह रहा है कि वहाँ पे जितने सारे वहाँ पे vehicles हैं, उनके horn की आवाज़ हैं, वहाँ पे ठेले वाले हैं जो कि जोर से चिल्ला रहे हैं, उन सारी sound से उठकर दोस्तों, ये जो flute की sound है, बांसुरी की sound है, ये writer को सुनाई दे रही है। यानी कि बांसुरी से इतनी अच्छी आवाज़ वहाँ से निकल रही है कि जो noise है वो धीमी हो जाती है, पर जो sound है वो आराम से सुनाई दे पाती है। He plays slowly, meditatively, without excessive display. अब यहाँ पे जो पर्सन है जो कि बांसुरी बेच रहा है, वो कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा है, बल्कि आराम से कॉर्नर में खड़े होकर वो अपनी बांसुरी बजा रहा है। He does not shout at his waivers. दोस्तों, जिन भी लोगों को वहां पर बांसुरी चाहिए, उनको बुलाने के लिए वो वहां पर चिल्लाता नहीं है, सिर्फ अपनी बांसुरी वो बजाता रहता है। Occasionally he makes a sale. यानी कि बहुत कम उसकी सेल होती है, ज्यादा लोग बांसुरी को नहीं खरीद रहे, पर वो फिर भी अपनी जॉब को वहां पर एंजॉय कर रहा है। बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। पर दोस्तों, वो वहां पर जिस तरीके से बेच रहा है, बांसुरी बजा रहा है, वो काफी हमें कैजुअल लग रहा है। यहाँ पे ऑफ हैंडेड का मतलब है कि बहुत ही कैजुअली, बिना किसी टेंशन के वो अपना काम कर रहा है। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. बहुत बार ऐसा होता है कि वो बांसुरी बजाते बजाते रुक जाता है और वहां पे कोई फ्रूट सेलर है तो उससे बातें करने लग जाता है। I imagine that this has been the pattern of his life for years. यहाँ पे राइटर सोच रहा है कि कितने सालों से यहाँ पे जो बांसुरी सेलर है वो यही काम कर रहा है, उसकी लाइफ का यही रोज का रूटीन होता है, उसका पैटर्न बन चुका है। I find it difficult to tear myself away from the square. यहाँ पे जो राइटर है उनको उस कॉर्नर से अलग जाने में, दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो बांसुरी की आवाज है वो उनको इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि वो वहां से जाना नहीं चाहते हैं। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डस दिस टू मी। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो बांसुरी की आवाज होती है, हमेशा उनको सुनते ही राइटर के साथ ऐसा ही होता है, वो बहुत ज्यादा उस साउंड को पसंद करते हैं। It is at once the most universal and most particular of the sounds. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो बांसुरी की आवाज है, ये यूनिवर्सल साउंड है, किसी को भी ये बहुत अच्छी लग सकती है। There is no culture that does not have its flute. वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी पूरे देश में, पूरे हमारे वर्ल्ड में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसमें बांसुरी का यूज ना किया जाता हो। द रीड नर्व, द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुहाची, The deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high pitched Chinese flutes. देखिए, वो कह रहे हैं कि हर कल्चर में बांसुरी का रोल हमेशा दोस्तों प्रेजेंट रहा है। उन्होंने हमें अमेरिका, चाइना, इंडिया, अलग अलग देश का वहां पे हमें एग्जाम्पल दिया जहां पे बांसुरी का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। Each has its specific fingering and compass. देखिए, वो कह रहे हैं कि हर फ्लूट को बजाने का वहां पे अलग अलग तरीका है और बहुत ही अच्छी उससे आवाज भी प्रोड्यूस होती है। It weaves its own association. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हर बांसुरी है वो अपनी अलग ही कम्युनिटी वहां पे क्रिएट कर लेती है। बेसिकली दोस्तों, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि कैसे बांसुरी उनको इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है। Yet to hear any flute is, it seems to me to be drawn into the commonality of mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बांसुरी है वो ऐसा लगता है कि हमें वो इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के वो पास लेकर आती है, वो उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ह्यूमन की वॉइस होती है, वैसी बांसुरी की आवाज भी ह्यूमन की वॉइस पे डिपेंड करती है।
बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से हम सांस लेते हैं उसी तरीके से जो बांसुरी है वो भी ब्लो करती है, उसमें से आवाज आती है। Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. देखिए वो वही बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बांसुरी है उसका जो चलने का जो force है उसका जो पूरा mechanism है वो भी human की breath पे ही depend करता है। उसको भी बीच में pause चाहिए कि वो आगे अपना गाना बजा सके, जैसे कि हमारे सांसों के साथ होता है। तो basically दोस्तों, एक यहाँ पे flute को जो writer है वो एक human के experience से compare कर रहे हैं। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first. For on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. देखिए राइटर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो कि राइटर को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और बांसुरी एक ऐसी चीज बन चुकी है। यहाँ पे राइटर खुद सरप्राइज्ड हैं कि वो कितनी एक छोटी सी चीज पर इतना ज्यादा वहाँ पे उस पर सिग्निफिकेंस, इतना टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, उनको वो चीज कितनी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ऐसा उनके साथ बहुत ही रेयरली होता है और आजकल फ्रीक्वेंटली होने लगा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस पूरे चैप्टर में राइटर का जो नेपाल का काठमांडू का दोस्तों जो एक्सपीरियंस रहा है हमने उसको स्टडी किया कि कैसे वो पहले टेंपल गए, फिर स्टूपा गए और फिर मार्केट में बांसुरी के साथ वो वहां पर अटक गए, इतना ज्यादा बांसुरी ने उनको अट्रैक्ट किया। दोस्तों ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट होता है, बट इसके एंड में जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि उन सबको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। उनके रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और अगर आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो रिविजन लेक्चर भी अवेलेबल है, उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।